हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर के सीरीज में सेलेक्ट एफर्ट क्या लेकर आए हैं, आज आपके लिए हाइलाइट्स या मेजर पॉइंट्स क्या हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकें। G7 की समिट शुरू हो गई है इटली में, वहाँ से क्या मैसेज है और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, साथ में स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कोई खबर है या फिर ट्रेंडिंग क्या है, इन तमाम बातों के लिए अभी हम ये एपिसोड शुरू करते हैं। आज है 14th of June 2024, तो चलिए देखते हैं आज का मेजर पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है यहाँ पर, इन विच इंडियन स्टेट हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग बीन इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। तो भाई ये स्टेट तो एकदम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि यहाँ स्कूल में ही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स बताई जाएंगी। तो ये कौन सा स्टेट है जहाँ ये शुरू किया जा रहा है, और राइट आंसर है केरल। यहाँ केरल के स्कूल में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग कराई जाएगी। टेकअवेज देखते हैं। केरल हैज इंटीग्रेटेड AI लर्निंग इनटू क्लास 7 ICT बुक्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT, इंट्रोड्यूसिंग ओवर 4 लाख स्टूडेंट्स टू AI इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ G7 समिट 2024? फ्रांस, लंदन, जापान या फिर इटली? और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, इटली। और ये वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। टेकअवेज देखते हैं, इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन हैं? US, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड UK। तो ये सारे कंट्रीज के नाम बिल्कुल याद रखिएगा। वैसे इसमें यूरोपियन यूनियन भी शरीक होता है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना कि इसका कोई हेडक्वार्टर है ना कोई इसका सेक्रेटेरिएट है। द G7, इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, द G7 इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रीटी एंड हैज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट और ऑफिस। इट इज ऑर्गेनाइज थ्रू अ प्रेसिडेंसी दैट रोटेट्स एनुअली अमंग द मेंबर स्टेट्स, विद द प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग स्टेट सेटिंग द ग्रुप्स प्रायोरिटीज एंड होस्टिंग द समिट। इटली प्रिसाइड्स फॉर 2024। लास्ट ईयर ये हुआ था हिरोशिमा में, जापान में, और अगले साल यानी 2025 में होने वाला ये कैनेडा में। ये सारे नाम सारे प्लेसेस बिल्कुल याद रखेंगे। 2023 यानी लास्ट ईयर हिरोशिमा जापान, 2024 इटली, 2025 कैनेडा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024? नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ, और ये मिला है ए ऑप्शन, निमहांस को मिला है। टेकअवेज देखते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज दैट इज निमहांस इन बेंगलुरु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO। नेक्स्ट आ रहा है द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखे, वैसे दो और स्टेट में नए चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, एक उड़ीसा में और एक आंध्र प्रदेश में, जिसके बारे में मैंने कल का यानी लास्ट जो हमारा एपिसोड गया है उसे मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ आपको बताना है कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं अरुणाचल प्रदेश के, इसमें से कौन है, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, श्री पेमा खांडू। ये रहे पेमा खांडू जी, और ये रिपीट कर रहे हैं इनफैक्ट। सो पेमा खांडू इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इज द सन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश दोरजी खांडू। इनके पिताजी भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। नेक्स्ट आ रहा है, विच इंडियन स्टेट्स हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉयज। जी हाँ, महीने के कुछ दिनों में कई मुश्किलें होती हैं फीमेल को, तो एक हाई कोर्ट ने इस बात को समझा और अब ऐसा किया गया है कि वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको छुट्टी मिला करेगी अपने ऑफिस से। तो ऐसा कहाँ पर हुआ है, किस हाई कोर्ट ने ये कहा है, और राइट आंसर है डी ऑप्शन, सिक्किम। सो द सिक्किम हाई कोर्ट रजिस्ट्री हैज सेट अ पायनियरिंग प्रेसिडेंट बाय इंप्लीमेंटिंग अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर फीमेल एम्प्लॉयज, मेकिंग इट द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू डू सो। अंडर दिस पॉलिसी विमेन एम्प्लॉयज एट द सिक्किम हाई कोर्ट रजिस्ट्री आर एंटाइटल्ड टू टेक मेंस्ट्रुअल लीव फॉर 2 to 3 days ऑफ ईच मंथ। नेक्स्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से है यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई
फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो वेन्यू आप समझ लीजिए, वेन्यू वहीं पर होगा, यानी जो तीन कंट्री डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी वही उसका वेन्यू भी है, यानी जहां भी वेन्यू होता है उस कंट्री को क्वालिफाइंग दौर से गुजरने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको ये बताना है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इसका अदर वे है समझने का इस बात को। और राइट आंसर है यूएस, मैक्सिको, कनाडा, ये तीन कंट्री मिलकर के इसको होस्ट करेंगे 2026 में फीफा वर्ल्ड कप। टेक अवेज, द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी 23rd फीफा वर्ल्ड कप। द टूर्नामेंट विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय थ्री नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, कनाडा, मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन 2023-24। और बहुत ही छोटा सा कंट्री है साइज वाइज, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी कंट्री के द्वारा हमारे यहाँ हुआ है एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, सिंगापुर। यह सिंगापुर का ही पिक है, बहुत फेमस प्लेस है वहाँ। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सिंगापुर इन 2023-24। सिंगापुर हैज बीन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर इंडिया सिंस 2018-19, इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। फ्रेंड्स, आज का लास्ट पॉइंट है, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 8.2%, जो कि बिल्कुल ही फेनोमेनल है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर देखते हैं इसका टेक अवेज, इंडिया GDP grew 8.2% in financial year 2024, surpassing the RBI's estimate of 7%. The growth rate exceeded previous government estimates and was driven by strong performance in manufacturing and mining sectors, as reported by the National Statistical Office, NSO. So friends, ये थे सारे important points आज के, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे और ये help करेगा आने वाले exams में। Thank you so much for watching.